फॉग लैंप जो है इस वेरिएंट में नहीं आती है, तो मिंडा वाली जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। शार्क पिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखोगे तो चारों पावर विंडोज का जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा जेन्युइन रियर पावर विंडोज जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसमें स्टे माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं। लॉक करेगा, तीन बटन आते हैं, लॉक का, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से गाड़ी को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे सर आप लोग? हम लोग यमुना पावर ईस्ट नगर। और यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब वीडियोज वगैरह देख करके। तो जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं? हाँ सारी मिल गई हैं। बात करें फिट फिनिश की, कैसा लगा काम आपको? काम तो ठीक है, मतलब फिनिशिंग है काम में, जेन्युइन काम होता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सचेंज सीरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। अपने सामने खड़ी है कई सारी टाटा की पंच। आज करीब करीब 5 से 6 गाड़ियों का लाइनअप जो है वो रहने वाला है, तो आपको एक काउंटिंग सबसे पहले करा देता हूं। तो यहां पे आप देखोगे एक गाड़ी अपने पास DL14 नंबर, ये रहने वाली है, बेस वेरियंट है। इसके अलावा एक गाड़ी अपने पास ये भी रहने वाली है, जो कि बेस वेरियंट ही है। इसका काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, इसको हम अलग से एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी आप देखेंगे तो इस वाली गाड़ी में काम चल रहा है, ये भी अपना बेस वेरियंट ग्रे कलर के साथ रहेगी। इसके अलावा एक अपने पास जो है टाटा अल्ट्रोज आई हुई है, जो कि आप यहाँ पर चेक करें, ये भी अपना बेस वेरियंट ही रहने वाला है XC। और इसके अंदर भी अपडेट वगैरह जो है वो चल रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कार की तरफ मूव करें तो यहाँ पर एक गाड़ी अपनी जो है वो रहने वाली है, ये भी बेस वेरियंट जो है वो प्योर रहेगा। और एक गाड़ी अपनी वाइट कलर के साथ यहाँ पे खड़ी हुई है, ये आप चेक कर सकते हो, ये भी अपना बेस वेरियंट ही रहने वाला है। पर्टिकुलर बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम इस वाली कार की, जो कि अपने पास DL12 लोकल ही रहने वाली दिल्ली की, और ऑलमोस्ट जो बजट रहेगा करीब करीब 55,000 रुपीज़ के, और ऑलमोस्ट जो बजट रहेगा करीब करीब 50,000 के आसपास का जो है वो रहने वाला है। अब इसमें काम क्या कुछ हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो गाड़ी के अंदर अपडेट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चेक करेंगे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रैपिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। डुअल टोन मून लाइन जो रैप है वो यहाँ पे अपना चल रहा है। इसके अलावा स्पीकर वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं। स्पीकर्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। पाइनियर के स्पीकर जो है वो लग चुके हैं, फ्रंट डोर के अंदर कॉम्प्लेन स्पीकर्स रहने वाले हैं। जबकि रियर डोर में चलते हैं तो यहाँ पे आपको क्विक्सल स्पीकर का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पावर विंडोज वगैरह जो है वो आपको मिल जाती है इस वाली कार के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 आगे की। रियर पावर विंडोज का जो अपडेट है वो भी रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे इसका कपलर वगैरह काम कंप्लीट हो चुका है, अभी सॉकेट वगैरह लगाना बाकी है। स्टीरियो वगैरह की अगर हम बात करें दोस्तों तो स्टीरियो जो है वो आप यहाँ पर चेक करोगे, इसका अपडेट स्टार्ट हो चुका है। वायरिंग वगैरह जो है करी जा चुकी है। निपोन का स्टीरियो जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट निपोन की थी तो निपोन का जो स्टीरियो है वो उनको प्रोवाइड किया गया है। बाकी अभी क्या कुछ अपडेट बाकी है उसकी अगर हम बात करें तो साइड में आप देखोगे तो अभी डोर वाइजर का अपडेट जो है वो किया जाना है, डोर वाइजर लगाए जाएंगे। पीछे की तरफ शार्क पिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। डोर सील गार्ड यानी कि यहाँ पे अपनी वेलकम प्लेट जो है वो इंस्टॉल करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पीछे की तरफ आते हैं, रियर व्यू कैमरा जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कैमरे का अपडेट जो है वो रहेगा। अभी इसको अंदर की तरफ सेट करके कर दिया जाएगा। बाकी डुअल टोन हॉर्न का जो अपडेट है वो रहने वाला है। 240 वॉट की अपनी जो LED बल्ब है इसके हेडलाइट के अंदर वो इंस्टॉल करी जाएगी। बाकी स्पीकर मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, स्पीकर का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट अपना हो चुका है। इसके अलावा सेंटर डोर लॉकिंग का काम जो है वो किया जाएगा। अगर हम लाइटिंग सेटअप की बात करें तो 240 वॉट की हेडलाइट के अंदर LED जो है वो रहने वाली है। फॉग लैंप नहीं आती, फॉग लैंप का जो अपडेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे DRL लाइट जो है वो भी अपनी अपडेट करी जा रही है। तो इस तरीके के अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। तो गाड़ी का काम कंप्लीट होने देते हैं, फिर आप लोगों को चेक करवाते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। 2 hours later दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉग लैंप की। फॉग लैंप जो है इस वेरिएंट में नहीं आती है, तो मिंडा वाली जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है हेलोजन बल्ब के साथ। मिंडा की रिले वायरिंग के साथ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। बात किया कॉस्टिंग की तो इसकी कॉस्ट आती है अपनी 1200 रुपए की। उससे जो रिले वायरिंग लगाई जाती है उसकी कॉस्ट आती है अपनी 800 रुपए की। टोटल 2000 रुपए का सेटअप जो है वो अपना बनता है। हेडलाइट की अगर हम बात करें 120 वोट से ज्यादा जो है वो अपना पावर आउटपुट जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और थ्रो वगैरह भी किस तरीके का रहने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हाई और लो बिल्कुल प्रॉपर जो है वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों DRL लाइट जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डुअल पर्पज में रहने वाली है। इंडिकेटर DRL दोनों पर ही अपना वर्क करती है। पार्किंग बल्ब को जो है वो भी चेंज किया जा चुका है। ये हेलोजन बल्ब आता है जिसको रिप्लेस करके LED बल्ब जो है वो लगा दिया गया है। कंप्लीट सेटअप जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का अपना रहने वाला है। इसके अलावा एक हॉर्न के अंदर भी अपडेट रहेगा जो कि अपना डुअल टोन में लगाया गया है। और अपना जो है साउंड आउटपुट किस तरीके का आएगा वो भी आप लोगों को सुना देते हैं। तो कुछ तरीके के साउंड रिस्पॉन्स के साथ जो है इसके अंदर हॉर्न का जो अपडेट है वो रहने वाला है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे व्हील कवर पहले ही से ही लगे हुए थे, हमने क्या अपडेट किया है वो आप चेक करेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे आपको डोर वाइजर जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पंच के प्रॉपर बैजिंग के साथ रहेंगे। रूफ रेल भी आप लगा सकते हो, 1500 रुपये कॉस्टिंग में लग जाती है। डोर वाइजर 500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में लगाए गए हैं। बाकी साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे अपना डोर एज गार्ड जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और पीछे की तरफ शार्क पिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल रहने वाला है, जिसमें कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलते हैं अब कार के इंटीरियर में, आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो अपना रहने वाले हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो चारों पावर विंडोज का जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा।
टाटा जेन्युइन रियर पावर विंडोज हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसमें ड्राइवर साइड से ही आप विंडो को डाउन कर सकते हैं, विंडो को अप कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर जो है वर्किंग आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों स्पीकर वगैरह मैंने आपको डे टाइम में दिखा दिए थे, पायनियर के फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर्स और रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे पंच की वेलकम प्लेट जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाली, जिसमें आपको पंच की प्रॉपर बैजिंग मिल जाती है। ये अपनी नॉन इल्यूमिनेटेड वाली जो है, ये अपनी स्टील प्लेट वाली जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डुअल टोन रैपिंग का काम जो है वो किया गया है, मून डिजाइन रहने वाला है, जिसमें आप अपर पार्ट देखोगे ब्लैक इंसर्ट और लोअर पार्ट के ऊपर जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑफ वाइट कलर जो है देखने को मिल जाएगा। 800 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ जो है इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप चेक करोगे स्टे माउंटेड ओरियन कॉलिंग कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा और बीटी वगैरह के सारे बटन जो है प्रॉपरली काम करने वाले हैं। एक चाबी के अंदर भी अपडेट जो है वो रहने वाला है, अपनी सेंटर लॉकिंग के साथ फ्लिप की जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, कुछ तरीके से वर्क करेगा। 3 बटन आते हैं, एक लॉक का, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से गाड़ी को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, पीछे टाटा का लोगो, आईडी की मार्किंग आपको मिल जाएगी। 3 साल की वारंटी के साथ जो है कंप्लीट सेटअप अपना रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम स्टीरियो की, तो यहाँ पे निपोन का जो स्टीरियो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 9 इंच की स्क्रीन साइज के साथ निपोन का जो स्टीरियो है वो इंस्टॉल किया गया है। इसके अंदर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा स्लो चलता है अपना, मतलब इसका जो अपना इनिशियल है वो थोड़ा सा हल्के से होगा। बाकी आप यहाँ पे देखोगे क्रोम ब्राउजर रहने वाला है, गूगल मैप है, प्ले स्टोर है और आप यहाँ पे देखोगे तो अपना यूट्यूब वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उन तरफ भी जा सकते हो। बाकी 9 इंच की स्क्रीन साइज़ के साथ जो है इसका इंस्टॉलेशन अपना किया गया है। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। HD नाइट विजन कैमरा जो है वो यहाँ पे अपना लगाया गया है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं कैसा कुछ रिस्पॉन्स जो है वो अपना आने वाला है। तो ये सब अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। मिलते हैं एक बार कार के ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम राहुल है। भाई आपका नाम? मेरा नाम विक्की। विक्की। और भाई आपका नाम? पीयूष। कहाँ से आ रहे हैं सर आप लोग? हम लोग यमुना पार, ईस्ट नगर। और यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब वीडियोज वगैरह देख करके। तो जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं? हाँ सारी मिल गई हैं। बात करें फिट फिनिश की, कैसा लगा काम आपको? काम तो ठीक है, मतलब फिनिशिंग है काम में, जेन्युइन काम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक लगा। तो जो चीज़ आपने यूट्यूब पे देखी थी वैसा ही काम यहाँ पे है? हाँ। ऐसा तो नहीं वहाँ दिखाते हम लोग कुछ हो रहे हैं और यहाँ होता कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ। सब चीज़ें आपको परफेक्ट जो है वो मिल जाती हैं। सारे काम को नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 out of 10 कम्प्लीट नंबर। इसी भी आप किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बजट रहा सर अपनी गाड़ी का? मेरी गाड़ी का जो खर्चा आया है तो अक्रॉस 45,000। 45,000 रुपीज़। तो लग रहा है आपको जो पेमेंट आप करोगे वर्थ है? अभी मतलब अभी तो वर्थ है, लेकिन बाद में ये चीज़ चलनी भी चाहिए लोग ना, मतलब तो, वो हाँ। खैर बाद की बात हो जाएगी, मतलब अभी की बात पूछूँ तो अभी तो ठीक है, मतलब काम में कहीं कमी आपको लगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है और आप तीनों लोग यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद।